चिल्ड्रंस राधे राधे, वी आर ऑन विथ अवर न्यू चैप्टर, दैट इज चैप्टर नंबर 14, स्टैटिस्टिक्स. स्टैटिस्टिक्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई टेल यू एवरी टाइम, यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, दैट इज स्टैटिस्टिक्स. द नेम ऑफ द चैप्टर इफ यू आर एबल टू नो, देन इट विल बिकम मोर इजियर फॉर यू टू लर्न द चैप्टर. नाउ वॉट इज स्टैटिस्टिक्स? सो बेसिकली स्टैटिस्टिक्स is collection of data. Next, its arrangement. Next, its analysis. And last, conclusion. So statistics is basically based on these four main things, that is collection of data, arrangement of data, analysis of data, and conclusion of data. Actually, statistics is a part of mathematics. In further standards, when you move in further standards, that is in 11th standard, 12th standard, that is you go in variant field, whether it is commerce, whether you go for engineering, whether you go for science, you would be having in science and in engineering, you would be having a single chapter named as statistics. Whereas for commerce, a whole subject comes, that is a statistics. So statistics आगे जाके एक पूरा का पूरा एक subject बन जाता है. अब statistics अगर आगे जाके पूरा का पूरा एक subject बन जाता है, तो हमें statistics बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है. तो अब हम लोगों ने सबसे पहले एक वर्ड याद दिया, उसको हम बोलते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा. तो एक्चुअली डेटा होता क्या है? तो डेटा का मतलब होता है न्यूमेरिकल फिगर. न्यूमेरिकल फिगर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, एग्जांपल 1, 2, 3 एक्सेट्रा, दैट इज नोन एज डेटा. हम कलेक्शन ऑफ डेटा बोल रहे हैं, इसका मतलब हम कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज बोलते हैं. जैसे मैं अगर आपसे ऐसा पूछता हूं, इंडिविजुअली अगर आपसे पूछता हूं कि आपके घर में आप कितने भाई बहन हो, और इफ आई आस्क यू हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स आर यू एट ए होम, तो इसका मतलब क्या हुआ? वी आर कलेक्टिंग द डेटा. कलेक्टिंग द डेटा का मतलब हुआ कलेक्टिंग द इंफॉर्मेशन. तो सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स में, किसी भी सम्स में, सबसे पहला चीज होता है कलेक्शन ऑफ डेटा. उसके बाद अगला स्टेप आता है अरेंजमेंट ऑफ डेटा. अब अरेंजमेंट यानी डेटा मैंने आपसे कलेक्ट कर लिया, मैंने आपसे पूछा कि भाई कितने भाई बहन हो आप, आपने कहा कि सर, किसी ने बोला कि मैं अकेला ही हूँ, आई डोंट हैव एनी ब्रदर एंड सिस्टर, किसी ने कहा हम दो भाई बहन हैं, किसी ने कहा हम तीन भाई बहन हैं, किसी ने कहा चार भाई बहन हैं, किसी ने कहा पांच भाई बहन हैं. तो अब मुझे इसे प्रॉपर ऑर्डर में लगाना है कि भाई सिंगल कितने हैं, दो भाई बहन कितने हैं, तीन भाई बहन कितने हैं, फोर हाउ मच एंड फाइव हाउ मच. तो ये मेरा सेकंड स्टेप आया, जिसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेप, विच इज नोन एज अरेंजमेंट ऑफ डेटा. अब अरेंजमेंट ऑफ डेटा करने के बाद में थर्ड स्टेप आता है एनालिसिस ऑफ डेटा. एनालिसिस ऑफ डेटा का मतलब क्या हुआ कि एनालिसिस करने का मतलब है अब हमें हमारा पर्पस ढूंढना है कि हमने ये डेटा कलेक्शन क्यों किया. अब कलेक्शन करने के बाद में हमारे पास क्या काम की चीज है और क्या बेकार की चीज है. जैसे अगर हमारा डेटा सपोज 1 से लेकर 5 तक चिल्ड्रंस का था, और अगर किसी फैमिली के अंदर 7 चिल्ड्रंस हैं, तो अब हम सोचेंगे कि यार हम तो 1 से 5 तक का कलेक्शन कर रहे हैं, हमारा एम है 1 to 5 तक का, तो 7 वाले को साइड में रख दें. यानी वो एनालिसिस करने का हुआ, हम किस पर्पस पे कर रहे हैं, और फाइनली वी गिव कंक्लूजन कि हाँ दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी. नाउ व्हाट कंक्लूजंस एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी विल स्टडी इन फर्दर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टेल यू डेटा. डेटा क्या होता है? इट इज नथिंग बट द न्यूमेरिकल वैल्यू. अच्छा, अब टाइप्स ऑफ डेटा पे अगर हम आते हैं, तो डेटा हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, 1, 2 एंड 3. देखिए बेटा, मैं आपको जो अभी पढ़ा रहा हूं, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एक्चुअली ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, मगर ये एक बेसिक्स है मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का बेसिक्स है.
अगर आपको ये बेसिक समझ में नहीं आया तो आज नहीं तो कल व्हेन यू कम इन 11th स्टैंडर्ड यू वुड बी हैविंग अ बिग क्वेश्चन मार्क. एट दैट टाइम नो टीचर विल टीच यू, दे विल टेल यू कि यू हैव लर्नड प्रीवियसली. ये यू हैव लर्नड प्रीवियसली के ऊपर से मुझे एक जोक याद आता है. जोक थोड़ा इंटरेस्टिंग नहीं है मगर अगर आप समझोगे तो बहुत मजा आएगा. एक बार मैं कहीं ट्रैवल कर रहा था, तो जब मैं ट्रैवल कर रहा था तो मैं बस स्टेशन पे गया. मुझको ऐसा लगा कि मुझे एक बुक पढ़नी चाहिए बस के अंदर जब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैंने एक बुक पढ़ी, बुक ली वहां से. अब मुझे एक्चुअली माइथोलॉजिकल्स में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट है, तो मैंने महाराणा प्रताप की बुक्स खरीदी. अब महाराणा प्रताप की बुक खरीदी तो बुक के फर्स्ट पेज पे इतनी मोटी बुक थी, 100 रुपए की बुक थी, 100 रुपीज आई स्पेंड ऑन दैट बुक. अब उसमें मैंने पढ़ा तो उसमें महाराणा प्रताप यहाँ के राजा थे, वो थे वो थे. अब मैं खड़े खड़े ही पढ़ रहा था. फिर उसके बाद मैंने लास्ट लाइन पढ़ी उसकी, तो उसमें लास्ट लाइन में लिखा था महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध के लिए अपने घोड़े चेतक पर चढ़े, और बस और लिखा था. उतने में बस वाले ने हॉर्न मारना शुरू किया, पौ 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 पौ. तो सर मुझे मजबूरी में भाग के बस में बैठ जाना पड़ा. बस में बैठा, पानी वानी पिया. अब मेरा सफर बहुत लंबा था तो मैं ऐसा बैठा था, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई और मैं सो गया. सोने के बाद जब उठा तब देखा तो मेरा स्टेशन आ गया था, तो मैं उतर गया. रात को मुझको ऐसा लगा कि यार मुझे ये पढ़ना चाहिए कि एक्चुअली स्टोरी है क्या. अब आपको पता है जब कभी भी हम कोई भी चीज देखते हैं ऐसा ऐसा जिज्ञासा से देखते हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि लास्ट में क्या हुआ वो देखते हैं. तो मैं लास्ट पेज पढ़ा तो लास्ट पेज में लिखा था और वो घोड़े से उतरे. उतरे में मेरी धर्मपत्नी ने मुझे बुला लिया कि भाई चलो आ जाओ खाना पीना खा लो, काम वाम करना है काम वाम करवा लो. तो ऐसे करके मैं उसके पास चला गया. अब मैं उसके पास चला गया भाई. अब रात को जब मैं सोए गया तब मुझे याद आया कि यार बीच का तो पढ़ा ही नहीं. तो मैंने जब लास्ट लाइन बस में छोड़ी थी, बस के नीचे जब छोड़ी थी तब था घोड़े पे चढ़े, और जब मैंने लास्ट पेज पढ़ा तो घोड़े से उतरे, तो बीच में क्या आया. तो बीच में जब मैंने सारे पेजेस पढ़े तो बीच में एक घोड़ा बनाया हुआ था और उसके बीच में लिखा था तबड़िक 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 तबड़िक. पूरी बुक तबड़िक तबड़िक में चली गई. तब मुझे पता चला कि उसने मुझे बेवकूफ बना दिया. तो सेम स्टोरी कम्स हियर, इफ यू डू नॉट गो विद द बेसिक्स. जब आप आगे के स्टैंडर्ड्स में जाते हो तो वहां का टीचर बोलेगा कि यू हैव प्रीवियसली स्टडीड, पर प्रीवियसली हमने पढ़ा नहीं है कभी. तो हमारी जिंदगी कैसी हो गई, तबड़िक 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 तबड़िक. तो जिंदगी को तबड़िक तबड़िक ना करते हुए और अच्छे ट्रैक पे लाना हो तो हमें ये पढ़ना जरूरी है. तो अगेन आई कम, डेटाज आर ऑफ थ्री टाइप्स. व्हाट आर द थ्री टाइप्स? फर्स्ट इज अनग्रुप्ड डेटा. द फर्स्ट टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा. The second type of data is known as grouped data. And third type of data is known as continuous data. अच्छा, पहले टाइप के डेटा को हम अनग्रुप्ड बोलते हैं, दूसरे को ग्रुप्ड बोलते हैं. अच्छा, ग्रुप्ड के लिए एक मैथमेटिकल नेम है, इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्क्रीट डेटा. The mathematical name for this type of data is known as discrete data. Now, ungrouped data, grouped data, discrete data and continuous data. अब मैंने इन डेटाओं के नाम भी अपने तरह से एक नाम दिए हैं जिससे आपको अच्छी तरह से याद हो. अच्छा, अब हमने इसके नाम कैसे दिए हैं वो भी मैं बताता हूँ आपको. See, I basically, my name is Trilokee Sharma. I am basically from north. यानी मेरी मदर टंग हिंदी है. मैं गुजरात में रह रहा हूँ, गुजरात में रोटी खा रहा हूँ और गुजरात ही मुझको आगे बढ़ा रही है. तो अब मेरी अगली जो टंग होगी, मदर की टंग तो सर हो गई हिंदी, तो अगली टंग होगी मेरी गुजराती. और आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, आई हैव स्टडीड इन इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो मेरी तीसरी टंग हो गई इंग्लिश. So I am good with all three languages. तो मैंने क्या किया, इन तीनों के नाम तीन languages पे दिया है. ऐसे जैसे ungrouped data, आपको पता होगा जब कभी भी इंसान होता है, जैसे आप लोग हैं अभी, आप लोगों के लिए बोलेंगे you are all the students who are watching are ungrouped data. Ungrouped data गुजराती में क्या हुआ है, कुंवारो, कुंवारो के कुंवारी, that is ungrouped data. Grouped data, भाई कुंवारे का भी एक कुछ समय होता है. After some time,
आज से 10 साल के बाद जब कभी भी आप मुझे मिलोगे 10 साल 12 साल 15 साल के बाद, तो यू वुड बी विथ योर बेटर हाफ। तो उस समय एट दैट टाइम आप क्या हो जाओगे? तो अब हिंदी में आते हैं तो शादी शुदा, उस समय पे आप हो जाएंगे शादी शुदा। और अगर 2-5 साल के बाद आप मिले तो या तो आपके हाथ में या तो आपकी गोदी में एक आध नन्ना मुन्ना भी खेल रहा होगा। तो उस समय पे आपको कहा जाएगा MBBS। देखिए, क्योंकि आई लिव इन गुजराती गुजरात, सो आई सपोर्ट गुजराती फर्स्ट बिकॉज दिस इज माई फादर्स टंग, गुजराती इज माई फादर्स टंग, शादी शुदा हिंदी, हिंदी इज माई मदर्स टंग एंड इंग्लिश इज माई ओन टंग। सो कुंवरो शादी शुदा एंड MBBS। अच्छा, MBBS का मतलब होता है, आपने पिक्चर देखी होगी, मिया बीबी बच्चे साथ। अब कुंवरों का मतलब क्या हुआ, अनग्रुप्ड डेटा क्या हुआ? तो अनग्रुप्ड डेटा इज नथिंग बट विच कंटेन्स ओनली एंड ओनली वेरिएबल्स, दैट इज XI। XI मीन्स वेरिएबल, ओनली वेरिएबल और वैल्यूज। वैल्यूज मतलब नंबर। हम एग्जाम्पल देते हैं यहां पर, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, हाइट, वेट, एज एक्सेट्रा ऑफ चिल्ड्रन। इफ आई टेक ऑल योर हाइट्स, मैं सब बोलूं, आप सब लोग एक एक करके अपनी हाइट्स बताएं, या आप सब लोग एक एक करके अपना वेट बताएं, या आप सब लोग एक एक करके अपनी एज बताएं, तो ये क्या हो जाएगा, आई एम गेटिंग अ सिंगल वैल्यू फ्रॉम यू। सो नाउ दिस टाइप ऑफ डेटा इज नोन एज अनग्रुप्ड डेटा। यानी कुंवर हो यानी XI मेल, मेल अकेला ही है। अच्छा, ग्रुप्ड डेटा या डिस्क्रीट डेटा का मतलब हुआ शादीशुदा, शादीशुदा हुआ मतलब फीमेल की एंट्री हुई पिक्चर के अंदर। तो यहां पर मेल यानी XI और फीमेल यानी FI दोनों आए, यानी इसका मतलब हुआ वेरिएबल एंड वैल्यू फ्रीक्वेंसी। FI का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी तब ली जाती है जब डेटा बहुत थोड़ा बड़ा हो, मतलब बहुत बड़ा तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा बड़ा डेटा हो और जहां पर रिपीटेशन काफी आ रहा हो। जब रिपीटेशन आता है तो वी टेक फ्रीक्वेंसी एट दैट टाइम, तो XI FI। हियर आई कैन टेक एग्जांपल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिली, ब्लड ग्रुप्स ऑफ पीपल एक्सेट्रा, दिस इज अनदर एग्जाम्पल विच आई कैन टेक हियर। अच्छा, मैं बार बार वर्ड लिख रहा हूं एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बेटा, आप लोगों ने इंग्लिश पढ़ा होगा, अब इंग्लिश में एक्सेट्रा क्या होता है वो नहीं पता, पर हम मैथ्स वालों ने और साइंस वालों ने एक्सेट्रा का मतलब बनाया है ETC, मतलब एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। जब सोचने की ताकत बंद हो जाती है तब वहां पर ETC लिख दीजिए, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। तो ये आ गया। अच्छा, अब थर्ड टाइप MBBS। MBBS मतलब मियां बीबी बच्चे साथ, यानी तो भरा पूरा परिवार हो गया। तो जब भरा पूरा परिवार हो गया तो यहां पर XI की जगह पर आएगा क्लास, क्लास, और FI होगा फ्रीक्वेंसी एज इट इज। मगर ये जो क्लास है इट मस्ट हैव इक्वल इंटरवल। वो आगे कैसे इक्वल इंटरवल आता है दैट आई टीच यू, बट दिस क्लास, बिकॉज व्हेन आई यूज अ वर्ड क्लास, क्लास का मतलब हुआ इक्वल इंटरवल के साथ चलेगा, तभी हम उसे क्लास कहेंगे यहां पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी एग्जाम्स, आई गिव एन एग्जाम्पल हियर सो यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। एग्जाम्पल चिल्ड्रंस मार्क्स इन एग्जाम
सपोज इन योर स्कूल 50 मार्क्स एग्जामिनेशन इज टेकन, तो हम क्लास बनाएंगे कि सपोज 0 टू 10, 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50. अब हम देखेंगे कितने बच्चे हैं जिनके 0 से 10 के अंदर मार्क्स आए, तो विल काउंट कि भाई अगर इफ द क्लास इज ऑफ 50 चिल्ड्रंस, तो सपोज 5 चिल्ड्रंस गॉट दैट मार्क्स, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी में 5 जाएगा. इफ आई टेक 10 टू 20, तो भाई 10 टू 20 ओनली 2 चिल्ड्रंस हैव गॉट द मार्क्स, तो हम 10 टू 20 में 2 चिल्ड्रंस लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. सो सच अ वे यू कैन अरेंज द डेटा. नाउ दिस डेटा इज यूज्ड फॉर स्मॉल क्लास. आई यूज दिस पेन हियर. व्हेन द क्लास इज स्मॉल, जब कभी भी क्लास स्मॉल होगा तब हम अनग्रुप्ड यूज करते हैं. ग्रुप मीडियम डेटा, मीडियम डेटा के लिए, और कंटिन्यूस ज्यादा कर हम लोग लार्ज डेटा के लिए यूज करते हैं. सो दिस आर द 3 टाइप्स ऑफ डेटा, अनग्रुप डेटा, ग्रुप्ड डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा. अनग्रुप को हम बोलते हैं कुंवारो, शादीशुदा और MBBS. अब उसका हम चाहें तो इंग्लिश वर्जन भी दे सकते हैं, सिंगल ईयर, डबल, डबल विल नॉट बी अ गुड वर्ड, कपल, एंड ईयर अ गुड वर्ड कम्स फैमिली. दिस इज सिंगल, दिस इज कपल एंड दिस इज इन फैमिली. हियर आर द एग्जाम्पल्स गिवन टू यू बाय विच यू कैन नो. वी हैव स्टडीड नाउ अबाउट डेटा. आफ्टर डेटा अवर नेक्स्ट स्टेप वॉज अरेंजमेंट ऑफ द डेटा. Now, arrangement of data basically comes when you solve the sums. Third thing comes analysis. Analysis of the data. Analysis and lastly come conclusion. Now, analysis and conclusion, both the things are being carried out by a word which is known as measure of central tendency. Measure of central tendency. Now, what is this central tendency? Actually, central tendency are of 3 types. One is known as mean, which is represented by x bar. Second is known as median, which is represented by m. And third is known as mode, which is represented by Z. So here we have measure of central tendency, mean, median and mode. Actually, this is where our chapter start. Acha, mean, median and mode. Ab mean, kyunki humne datas ke 3 part bataye hain aapko. We have told 3 parts. One part is known as ungrouped. Second part is known as grouped or discrete. Third is continuous. क्योंकि ये 3 part है हमारे पास, इसलिए हमारे पास 3 formulas आएंगी. Ungrouped के लिए formula is x bar is equals to, इसे या तो sigma कहा जाता है या sum एशन यानी सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, वेयर एक्स आई का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन, वेयर एक्स आई इज ऑब्जर्वेशन. ग्रुप्ड और डिस्क्रीट डेटा आता है तो यह फॉर्मूला बिकम्स एक्स बार इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई एफ आई upon sigma fi. That is, for this what do? We form a table. I am writing here a table. The table will contain 3 things: xi, fi and your xi fi. The total of xi fi is this and the total of frequency is this. Like this, when you put, you get an answer. Same way,
x bar for continuous x bar is equals to sigma xi fi upon sigma fi. Actually, here we have three formulas to you. This is formula number one. See, this is also known as direct formula. Second formula which we have, that is x bar is equals to a plus sigma fi di upon sigma fi. This is known as assume mean formula. Assume mean formula. And one more formula, x bar is a plus sigma fi ui sigma fi into h. This is known as step deviation. This is known as step deviation. See, today I am only giving you formulas. So these are the three formulas for mean, median and mode. Sorry, for mean, that is ungrouped, grouped and continuous. Now, if we work for median, median for ungrouped, here we have two formulas, that is for odd observation and for even observation. Now children, you have learned these formulas in your 9th standard. For odd observation, the formula is median m is equals to n plus 1 upon 2th observation of AO. AO means ascending order. Same way, for even observation, formula is n upon 2th plus n by 2 plus 1 whole upon 2 observation of ascending order. These two formulas you have already learned in your 9th standard. Now for grouped observation. For grouped observation, actually we have a formula, but here we'll write this formula, that is median m is equals to n by 2th plus n by 2 plus 1th whole upon 2 observation of ascending order. Now for continuous, we have a formula, m is equals to l plus n by 2 minus cf upon f into h. Now when you form the table for this, the table would be something like this. Here you have class, here you have frequency, and here you have cf. The word cf is cumulative frequency. It is cumulative frequency. This is for your median. Now for mode, again first comes your ungrouped, for ungrouped data maximum repeated observation. Again, this you have learned in your smaller classes. For grouped or discrete, for group or discrete, the formula is
वैल्यू ऑफ एक्स आई करस्पोंडिंग टू हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाइएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर कंटिन्यूअस डेटा. I do not have a space, so here I am writing. The formula is Z is equals to L plus F1 minus F0 to F1 F0 F2, this whole comes in bracket, into H. I shall represent it here also. Z is equals to L plus F1 minus F0 to F1 F0 F2 in the bracket into H. One more important formula and the most important formula which you have, that is Z is equals to 3M minus 2X bar. See, these are the formulas for you which you are supposed to study. Radhe Radhe childrens, once this is the video of the formulas, that is theory of this chapter. Now in the next video we shall be going with the method of solving the sums. Childrens, please subscribe our channel, like our channel, give your valuable comments for it. And forward to the children who are studying in the same standard. Once again, Radhe Radhe.